सब्सक्राइब कीजिए बीकट टेकन हिंदी यूट्यूब चैनल को और पड़ोस वाले बेल के आइकन को दबाइए, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में लगातार जानकारी प्राप्त कर सकें। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों हो चुका है आज 2 अप्रैल। तो दोस्तों आज 2 अप्रैल की सभी ताज़ा न्यूज़ आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और दोस्तों कई ऐसे ऐलान के बारे में बताएंगे जो 2 अप्रैल से लागू होने वाले हैं। और दोस्तों कई जो है ऑफ़र वगैरह हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं समय न गंवाते हुए। और प्रत्येक जो है हमने जो है ढूंढ के एक चुनिंदा खबरों को इकट्ठा किया है, वो आप सभी को हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों समय न गंवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सभी एक एक न्यूज़ के बारे में बताते हैं। उससे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप अगर जो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ 12 रुपये में बुक करें हवाई सफ़र का टिकट, ये एयरलाइंस लाई है ऑफर। तो यहाँ पर दोस्तों एक एयरलाइंस के माध्यम से 12 रुपये में जो है हवाई टिकट आप बुक कर सकते हैं। अगर आप हवाई सफ़र करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप सिर्फ 12 रुपये में टिकट बुक कर सकते हैं। यही नहीं, आप विदेश जाने के लिए फ्री में भी टिकट हासिल कर सकते हैं। दरअसल स्पाइस जेट ने अपने 12 साल पूरे होने के मौके पर एनिवर्सरी सेल लगाई है। इसमें वह हवाई सफ़र करने वाले लोगों को महज 12 रुपये में टिकट बुक करने का ऑफर दे रहे हैं। इसके अलावा एयरलाइंस ने 12 साल बड़ा धमाका लकी ड्रा भी चलाया है। इसमें हिस्सा लेकर आप न सिर्फ फ्री टिकट हासिल कर सकते हैं बल्कि 10,000 रुपये तक का होटल वाउचर जीत सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। दोस्तों दूसरी न्यूज यहाँ पर निकल के आ रही है, गूगल की इस फ्री सेवा कंपनी को पहुँचा दिया शिखर पर, आज हुई 15 साल की। तो दोस्तों यहाँ पे जो है गूगल की एक सेवा जिसे आप जीमेल कह सकते हैं, गूगल की ईमेल सेवा जीमेल आज यानी 1 अप्रैल को 15 साल की हो गई। 1 अप्रैल 2004 को पियूल ने इसे बनाया था, तब इसमें स्टोरेज क्षमता महज 1 GB थी। इसका बीटा वर्जन रिलीज किया गया था, आज इसका स्टोरेज बढ़कर 15 GB हो गया है। जीमेल का फिलहाल 1.5 अरब मंथली यूजर्स हैं, मतलब जो है एक महीने में इसका जो है 1.5 अरब मंथली यूजर हैं। मंथली यूजर का मतलब यह है 1.5 अरब लोग इसको मंथली यूज करते हैं। वहीं अगर बात की जाए प्रतिद्वंदी याहो मेल की, तो उस पर सिर्फ 22.8 करोड़ मंथली यूजर हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जीमेल आपको एक स्टोरेज क्षमता देता है 15 GB की, इस पर जो है आप कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं और इसको जब चाहें चाहें आप उसको जो देख सकते हैं अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल के। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही, 1 अप्रैल से काम नहीं करेंगे 1000 पायलट, कहा सैलरी नहीं तो उड़ान नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जेट एयरवेज जो है कर्ज संकट में डूबी हुई है, तो उसके पायलटों ने कहा है कि हम जो है बिना सैलरी के हम उड़ान नहीं भरेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जेट एयरवेज को जो है काफ़ी बड़ा झटका लगा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक अगली न्यूज़ की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, चैनल्स न चुनने वाले ग्राहकों को मिलेगा ट्राई का बेस्ट फिट प्लान, यहाँ जाने पूरी डिटेल्स। तो ट्राई ने दोस्तों यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि उन्होंने जो है 31 मार्च तक डेडलाइन रखी थी। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने इसमें यूजर्स को 130 रुपये में 100 फ्री चैनल्स मिलते हैं, लेकिन इस पर 18% GST के साथ इस पैक को 153 रुपये में मिल रहा है। तो ट्राई ने ये जो है 153 रुपये में एक जो है प्लान रखा है जिसमें 100 फ्री चैनल्स आपको दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों जो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, मोबाइल लैपटॉप 5 घंटे से ज़्यादा प्रयोग कर रहे तो खुदकुशी का खतरा जो है 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आधा घंटे से लेकर जो है आप ज़्यादा अगर टाइम तक उपयोग करते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, यदि आप मोबाइल लैपटॉप आईपैड आदि पर आधा घंटे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि अध्ययनों पर गौर फरमाइए और ज़्यादा समय तक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करने से बचिए। तो यहाँ पे दोस्तों अमेरिका और ब्रिटेन में 4 बड़े अध्ययनों ने बताया है कि हर दिन पाठ्यक्रम से अलग हटकर डिजिटल मीडिया पर आधा घंटा से लेकर 2 घंटे तक समय बिताने से खुशी मिलती है और मानसिक सेहत ठीक रहती है, इसके बाद स्थिति बिगड़ती है। अधिकतर समय ऑनलाइन रहने से नतीजे घातक हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बहुत अधिक उपयोग करने वाले लोग अप्रसन्न और
अवसादग्रस्त रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर जो आप एक या दो घंटे यूज करते हैं तो ठीक है, अगर जो 5 से 6 घंटे आप वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर लैपटॉप पर तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप जो है आपका माइंड की स्थिति जो है ख़राब हो सकती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों अगला जो अपडेट निकल के आ रहा है वो है LIC की तरफ से, क्योंकि दोस्तों LIC का नया नवजीवन इंश्योरेंस प्लान लॉन्च हो गया है। ऑनलाइन खरीदने की जो है सुविधा भी इसमें दी जा रही है। तो जानिए दोस्तों इसके 5 खास बातें। तो यहाँ पे दोस्तों पहली बात यह है कि 90 दिन के बच्चे के लिए भी ले सकते हैं प्लान। तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ऑनलाइन खरीदने की सुविधा वाली एक नया नवजीवन इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। यह एक नॉन लिंक्ड पॉलिसी है, इसके साथ खास तौर पर प्रोटेक्शन के साथ ही सेविंग फीचर भी जुड़ा हुआ है। नए प्लान में पॉलिसी होल्डर को सिंगल प्रीमियम पेमेंट की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा 5 साल तक भी प्रीमियम भरा जा सकता है। और जो दोस्तों 90 दिन के बच्चे के लिए है जो पॉलिसी है आप खरीद सकते हैं, तो 90 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल की उम्र वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। हालांकि इसमें 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए रिस्क सम एश्योर्ड चुनने का भी विकल्प होता है। तो ये दोस्तों जो है LIC की तरफ से अपडेट था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे अगली न्यूज निकल के आ रही है, भारतीय सीमा के पास दिखे पाकिस्तान के 4 F-16 विमान, भारतीय विमान ने इनको फिर से खदेड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सोमवार सुबह 3 बजे के आसपास पंजाब के खेमकरण सेक्टर के पास भारत पाकिस्तान सीमा पार कर जो है ये विमान जो भारत की सीमा में दाखिल हुए। तो दोस्तों भारत के लड़ाकू विमानों ने जो है इनको खदेड़ कर अपनी सीमा में भेज दिया, जिसके बाद भारत हवा में Sukhoi-30 और मिराज जेट विमान भेजे गए, जिसके बाद पाकिस्तानी जेट वापस अपनी सीमा में चले गए। तो ये दोस्तों पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सेना के सूत्रों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारतीय रडार ने अपनी सुबह 3 बजे एक बड़ा UAV मानव रहित हवाई वाहन और 4 पाकिस्तानी F-16 विमान भारतीय सीमा के पास पंजाब के खेमगंज सेक्टर में उड़ते देखे, और भारत ने जवाब में Sukhoi-30 और मिराज जेट जैसे हाई-फाई विमानों से उसको जो है खदेड़ भेजा अपनी सीमा में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ क्या है आपको अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है इसरो की तरफ से, इसरो ने लॉन्च किया M-SAT दुश्मनों पर रखेगा बाज की नज़र। तो दोस्तों इस वजह से ये खास है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह 9:27 पर PSLV-C-45 को लॉन्च किया। PSLV-C-45 को लॉन्च कर दिया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्वदेशी सर्विलांस सैटेलाइट M-SAT के साथ 28 विदेशी नैनो सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा है। नासा की तरह आम आदमी को रॉकेट लॉन्चिंग दिखाने के लिए करीब 5,000 दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम जैसी गैलरी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तैयार कराई गई थी। पहली बार इसरो ने एक साथ 3 अलग-अलग कक्षाओं में सैटेलाइट को स्थापित करने का इतिहास रचा है। यह पूरा अभियान 180 मिनट में पूरा हो जाएगा। M-SAT सैटेलाइट कई मायनों में भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यह दुश्मन देशों जैसे पाकिस्तान पर बाज की नज़र बनाए रखेगा, जिससे जो है भारत को पाकिस्तान में क्या हो रहा है सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगली न्यूज की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट है, 10% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का निर्माण हुआ शुरू। मथुरा रिफाइनरी ने की सबसे पहले इसकी शुरुआत। भारतीय तेल निगम की मथुरा स्थित तेल शोधन कारखाने में से देश में सबसे पहले 10% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। सरकार बहुत लंबे समय से किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम उपलब्ध कराने एवं पेट्रोल चलित वाहनों में भी क्लीन फ्यूल शुरुआत करने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पे आपको बता दें मथुरा रिफाइनरी के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन मैनेजर सदरुद्दीन खान ने
बताया कि मथुरा रिफाइनरी रविवार को एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का सफलतापूर्वक उत्पादन कर पहला बैच मथुरा मार्केटिंग टर्मिनल को सौंप दिया है। तो दोस्तों यही कुछ अपडेट्स थे जो बताना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि दोस्तों ये जो है नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, तो कौन कौन से नए काम शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बताया, तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए, और पड़ोस में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।